हेलो दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था आप लोगों को कि मैं होटल का भी व्यू दिखाऊंगी, तो ये है JW मैरियट का दो टावर मर्क्यूज इन दुबई। ये मुझे बाहर से दिखाना पड़ रहा कि इतनी लंबी टावर आपको बाहर से दिखाना पड़ेगा। ये होटल के बाहर का व्यू है जो क्रूज़ रात में चलती है। ये किनल है और रोड के उस पर जो है हिल्टन का होटल हुआ करता था। इतना अच्छा लगता था रात को ये चमचमाती लाइट, सीरियसली बहुत अच्छा लगता था देखने में, कलरफुल्स। आप कहीं घूम के आए हैं तो होटल के बाहर एक बार नज़ारा देखने के लिए हम लोग चले जाते थे, हमें भी अच्छा लगता था, फिर हम रूम पे एंटर करते थे। ये हमारा डेली का शेड्यूल बोल सकते हैं वो था। और ये रहा, मैं आपको होटल दिखा रही हूँ, ये जस्ट होटल है और होटल के बाहर का ये वाला नज़ारा था। सीरियसली होटल बहुत लंबी बड़ी है, 70 फ्लोर की ये होटल हुआ करती है और हम 33 फ्लोर में रहते थे। ये है होटल का अंदर का व्यू, जो गैलरिया है। ये सारे बॉटल्स जो देख रहे हैं सारे ओरिजिनल्स हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो सारे आपको यहाँ पे ब्रांड्स दिखेंगे, मिलेंगे। यहाँ पे बैठ के ड्रिंक करते थे लोग, कुछ किताब पढ़ के रीड करके ड्रिंक करते थे, ये मैंने देखा भी। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये बैंकेट रूम्स, इतने सारे जो बने हुए हैं, लोगों की जो मीटिंग्स होती है, शादी होती है, पार्टीज होती है, ये वाले बैंकेट रूम्स बने हुए थे। और यहाँ से बाहर जाने का भी रास्ता था, जो आइए मैं लेके चलती हूँ, आपको दिन का व्यू दिखाती हूँ बाहर से यहाँ कैसा लगता था। देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था, ये भी बहुत अच्छा लगता था देखने में। और ये तो पूल व्यू है, पूल स्विमिंग पूल तो हर होटल्स में होते हैं, लेकिन इसका नज़ारा ही कुछ और था कि पाम ट्री बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा दिखता था, अच्छा लगता था। ये उनका गैलेरिया शॉप है, यहाँ से मैंने फ्रिज मैग्नेट भी लिया है नियर एंड डियर को गिफ्ट करने के लिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, जो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा मिल जाएगा, लेकिन सही में बहुत रीजनेबल प्राइस है मैंने कंपेयर किया तो। ये है लिफ्ट होटल के अंदर का, और सबसे अच्छी बात है यहाँ से व्यू देखते देखते हम लोग उतरते थे, जो बहुत मज़ा आता था देखने में। उसके बाद मैं आप लोगों को ले चलती हूँ लास्ट में, वो है आउटलेट, जी हाँ रेस्टोरेंट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अवार्ड, जो दुबई के जो होटल है JW मैरियट के मर्क्यूज को मिला है। ये खाने पीने का आउटलेट इतना बड़ा है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उतनी बड़ी रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे इंडियन किचन, यूरोपियन किचन, एशियन किचन हर सेक्शन में बना हुआ था। और खाना की वैरायटी इतनी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खाने की मैं शौकीन तो हूँ ही, ऊपर से खाना इंडियन खाना भी मिल रहा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इंडियन शेफ, वाह भाई वाह, कुछ बोलने का ही नहीं है। हमने लास्ट में मसाला चाय ज़रूर ट्राई करते थे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे गुल्लू तो वाटरमेलन खाने में बहुत ध्यान लगा के खा रहा था, उसे वाटरमेलन बहुत पसंद है, और मुझे थम भी दिखा रहा था कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है खाने में। तो दोस्तों थैंक यू, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ होटल का।